भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। इसके हथियार पारंपरिक रूप से अब भी अधिकतर रूसी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। रूस के साथ भारत का रक्षा सौदा अधर में लटक सकता है। इसमें S-400 सबसे प्रमुख सौदा है। यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही इसके डिलीवरी में देरी हो चुकी है और अभी तक इसे लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। इस देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण भुगतान से जुड़ा संकट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में $3 अरब का भुगतान रुका हुआ है और केंद्रीय बैंक इसे हल करने के लिए काम कर रही है। 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी डील $5.43 अरब में हुई थी। भारत ने रूस से 5 रेजिमेंटों को लिया था, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन अन्य 2 में लगातार देरी हो रही है। हालांकि दोनों पक्ष रुपया रूबल व्यवस्था के जरिए भुगतान की कोशिश में लगे हैं, लेकिन भारी व्यापार असंतुलन और रूस के पास ज्यादा भारतीय रुपया हो जाने से यह संकट हल नहीं हो पा रहा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि भुगतान में जब अस्पष्टता हो जाएगी तभी संशोधित डिलीवरी के शेड्यूल पर काम किया जा सकता है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ रूस के डायरेक्टर ने कहा कि अभी रूस और भारत के बीच छोटे छोटे पेमेंट रुपये और रूबल के रूप में हो रही है, लेकिन सभी बड़े पेमेंट होल्ड पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान रुकने के बावजूद कुछ डिलीवरी हो गई है, लेकिन अब आगे का रास्ता निकालना होगा।